सो फ्रेंड्स, आज मैं करने वाली हूँ क्विक मेकअप। यहाँ पे सबसे पहले आपको मेकअप करने से पहले अपने स्पॉन्ज को गीला कर लेना होता है अच्छी तरह से और उसके वाटर को स्क्वीज कर लेना। सो मेरी स्किन टोन है कुछ इस तरह से, देख सकते हैं आप। और जस्ट इसे अपने फेस को हमें क्लीन कर लेना होता है, तो मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर से क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्किन सीरम लिया है जो NYB की है। आप कोई भी सीरम यूज़ कर सकते हैं या फिर बहुत ही अच्छी डिस्काउंट चल रही है पर्पल पे, आप वहाँ पर जाके चेक करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा सीरम मिल जाएगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है पर्पल का 24 कैरेट गोल्ड प्राइमर। उसके बाद मैं ये प्राइमर यूज़ करूँगी और ये प्राइमर बहुत ही अच्छा है। इसमें स्पार्कल है जो कि गोल्ड के स्पार्कल से इसमें, और ये काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छी तरह से हमारे फेस के ऊपर अप्लाई हो जाता है, हमारी स्किन पे जो एकदम ऑब्जर्व हो जाता है। और इसके बाद जब हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो गाइज बहुत ही अच्छी तरह से हमारा फाउंडेशन ब्लेंड होता है। तो मैंने यहाँ पे लिया है रिवोल्यूशन प्रो HD, ये भी मैंने पर्पल से मंगवाई है और बहुत ही बेस्ट कंसीलर पैलेट है ये। एंड हम मेरी स्किन के लिए ये परफेक्ट है, इसमें जितने भी शेड्स दिए गए हैं ये परफेक्टली अच्छी तरह से मेरे स्किन टोन के मैच हो जाती है। जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो ये ऐसे बहुत ही क्रेकी और फेकी नहीं लगता है, बहुत ही अच्छा मेकअप एक अच्छा क्रिएट हो जाता है। तो मैंने ये रिवोल्यूशन की जो पैलेट ली है HD वाली, ये बेस्ट है गाइज। मेरा स्किन कलर आप देख सकते हैं और उसके बाद जब मैं मेकअप करूँगी उसके बाद आप मेरा स्किन टोन देखिए, तो दिस इज़ द बेस्ट पैलेट। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर परचेस करिए, इसे पर्पल पे आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है NYB की। सो फ्रेंड्स, ये है NYB की कंसीलर और ये कंसीलर भी बहुत ही अच्छी है काफ़ी, बट मैंने जब परचेस की तो उसके वन वीक बाद ही ये टूट गई, बुरी तरह से टूट गई है, बट बहुत ही अच्छा कवरेज देती है। एंड येस, मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ करूँगी और मेरे पास है ओरिफ्लेम की ये पैलेट जो काफ़ी दिनों से, मतलब सालों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी यहाँ पे, तो इसकी जो ब्लैक कलर दी गई है बीच में गाइस, ये बहुत ही अच्छी है, कमाल की है, और मैं इसी से अपने ब्रोज बनाती हूँ, बेस्ट है। यहाँ पे ब्रश आप ले लीजिए, कोई भी ब्रश आप ले सकते हैं और ब्रश के हेल्प से ही मैं इस अपने ब्रोज को फिल करूँगी। ब्रोज फिल करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, सबसे पहले आप एक लाइनिंग ड्रॉ कर लीजिए अपर साइड में एंड डाउन साइड में, बोथ द लाइनिंग के बीच में जस्ट उसे आपको फील करना होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब ये आप ब्रोज बनाते हैं। तो ब्रोज जो हो गया है मेरा रेडी। एंड यस गाइज, आप इसे ज़रूर ट्राई करना, ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स भी आपको आराम से अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे। उसके बाद मैं अपनी आई लीड पे यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, बहुत ही न्यूड मेकअप करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे हाइलाइटेड वाली मेकअप नहीं कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल मेकअप है ये मेरा। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आई शेडो, तो आई शेडो भी मेरे पास ये अच्छी वाली आई शेडो है, तो काफ़ी अच्छी पिगमेंटेड है ये, बहुत ज़्यादा लाइट कलर है, बहुत ज़्यादा ही हाइलाइटेड नहीं है, तो मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे दो कलर ली थी, एक पिंक और एक ब्राउन्स कलर ली थी, और यहाँ पे साइड में मैं यहाँ पे ब्लैक से इसे फील कर रही हूँ। सो जस्ट गाइस, इसे मेकअप आप बोल सकते हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये मेकअप लुक क्रिएट करना आप लोगों के साथ में। यहाँ पे मैंने लिया है लिप लाइनर जो ML की है, जिसका शेड है 32। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी है ये, 30 रुपीज़ की है। यहाँ पे मैंने लिए है डार्लिंग एजाबेला की लिपस्टिक, जो कि शेड नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एंड बेस्ट है गाइस, ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, काफ़ी टाइम तक रहती है। एंड ये लिपस्टिक के बाद अब हमारी बारी आती है CVB की। मैंने अल्टीमेट यहाँ पे लाइनर ली है, ये लाइनर बहुत ही अच्छी है गाइस, आप ज़रूर परचेज़ करिए। इस लाइनर की खूबी बता दूँ आपको, तो ये 24 आवर्स अगर आपने लाइनर एक बार लगा ली तो ये बिल्कुल भी निकलता नहीं है, बहुत ही घस घस के आप निकालेंगे तभी ये निकलेगा, नहीं तो ये निकलती नहीं है। लाइनर अच्छी है, वाटर प्रूफ है। और यस, हो गई मेरी रेडी और मेरी दोनों लाइनर मैंने आईज़ में लगा ली है, बस इतना ही किया है मैंने और कुछ भी नहीं। एंड कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताइए। एंड येस, मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड की जो हेलो यूज़ की है हाइलाइटर, मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो ये वाली हाइलाइटर यूज़ करती हूँ गाइज। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो आप परचेस करिए, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी ज़रा भी मेरी मेहनत के लिए, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना। एंड येस, डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड सो कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो? एंड येस, आप जैसे जानते हैं मैं अपने बालों को हमेशा ओपन करके रखती हूँ, तो ज़रूर लाइक करिए एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तब एंजॉय करिए मेरे वीडियोस को। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।
है।